हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ एक चार्ट ट्रिक्स के ऊपर। जी हाँ, दुबई से हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा है, तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, उनके पास एक ही तरह से दो डेटा है। जी हाँ, ये डेटा मान लीजिए, यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, एक ही तरह से दो डेटा है। बट कॉलम क्या है कि यहाँ नेम रो में है और कॉलम मंथ कॉलम में है, और यहाँ पे मंथ जो है वो रो में है और नेम जो है कॉलम में। अब जैसे कि वो चाहते हैं कुछ ऐसा फिल्टर करना है कि मान लीजिए कि मैंने पूजा का देखा, तो देखिए पूजा, हमने यहाँ पे पूजा का अगर फिल्टर लगाते हैं, चार्ट में फिल्टर का ऑप्शन होता है, हमने पूजा का फिल्टर लगाया और इसको मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ मेरा पूजा का डेटा दिखेगा, बट सिर्फ इस चार्ट के लिए, फिर वापस इस चार्ट का डेटा मुझे अलग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि हमें स्लाइसर चाहिए दो, मंथ और नेम का। अगर मैंने मंथ पे क्लिक किया तो दोनों चार्ट सेम मंथ का आना चाहिए। कैसे? तो सबसे पहले तो मैं चार्ट को डिलीट करता हूं, और डेटा इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा अगर इस तरह से होगा तो आपका जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो क्या करना होगा, तो डेटा को कुछ इस तरह से डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नेम मंथ एंड से। अगर बहुत बड़ा डेटा है तो इसमें एक होता है अनप्यूबर्ड डेटा, अनप्यूबर्ड डेटा आप कर सकते हैं, लेकिन छोटा डेटा है तो चलो मैं मैनुअल कर देता हूं, बना इसके लिए भी एक सिस्टम है अनप्यूबर्ड डेटा का, इसकी वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। दोनों डेटा एक ही है तो दोनों डेटा मर्ज करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही डेटा को मर्ज करते हैं, कि दोनों एक ही डेटा है बट ट्रांसफॉर्म हो रखा है वहां पे। तो यहां पे मैंने डेटा को ले लिया, नेम यहां से उठाता हूं, डेटा को मैंने इस तरह से मार्क का डेटा उठाता हूं, उसके बाद यहां अप्रैल, अप्रैल का डेटा उठाया, फिनिश कर दिया अप्रैल, एंड ऑल्सो मे। अब डेटा मेरा यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है, जैन है मार्च अप्रैल और मंथ भी, और इसके सेल। अब मैं इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ, अब मैं इस पे लगाऊंगा प्यूबर, क्योंकि मुझे दो अलग अलग चार्ट चाहिए, तो मुझे प्यूबर यहाँ पे बनाना है। इसमें मैंने एक मंथ को रखा कॉलम में और नेम को रखा यहाँ और सेल्स को यहाँ पर, पहले यहाँ पे नेम कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको वापस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, नॉर्मल पेस्ट हो गया, हमें पीवर्ड पेस्ट करना है ना, पूरा का पूरा डेटा को कॉपी कीजिए और इसी के बगल में पेस्ट करना, दो पीवर्ड होगा। अब इस कीवर्ड पे मैं मंथ को यहाँ देता हूँ, नेम को यहाँ स्विच कर देता हूँ, और इसके ऊपर जो है आप कीवर्ड चार्ट बना लीजिए, जो आपको चार्ट चाहिए वो चार्ट आप दो अलग अलग चार्ट यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ भी हम गए रिसर्च चार्ट लगाया जा सकता है, दोनों को मैंने फॉर्मेटिंग थोड़ा सा, इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, डिजाइन में जाकर इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अलग कर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक पिवट पे क्लिक करके यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट स्लाइसर और नेम सेल्स नहीं मंथ और नेम दो स्लाइसर चाहिए, हमने दोनों को ले लिया। और उसके बाद हम इस पे वापस आते हैं और यहाँ पिवट एनालाइज में फिल्टर कनेक्शन में मंथ और नेम दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड ओ, मैंने फिल्टर कनेक्शन कर लिया। अब देखिए, अब अपने इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, बट यहाँ पे देखिए मैं जैन पे क्लिक किया तो दोनों पीवर्ड जैन के अकॉर्डिंग, पैसे किया तो पैसे अकॉर्डिंग है,
अगर मैंने मान लीजिए सिर्फ कविता का लिया तो दोनों रिपोर्ट कविता की तरफ इशारा करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपने दुबई से इतनी दूर से मुझे कॉल किया है तो इसलिए थैंक यू, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन जो लोग चाहते हैं एक्सेल कंप्लीट सीख लाए, अब यहाँ पे बात आती है एक्सेल कंप्लीट सीख पाए, क्योंकि इस तरह की हेल्प हमेशा आपको कोई नहीं करेगा। उसके दो तरीके हैं, एक है कि आप हमारे साथ जूम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, जूम क्लासेस लाइव भी देते हैं, वन टू वन जूम क्लासेस पर आप ले सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऐप है, जी हाँ, मोबाइल ऐप। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे, सर्च करना है एक्सेल एमआईएस चैलेंज। नहीं सर्च कर पाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एक्सेल एमआईएस चैलेंज आईओएस में भी मेरा ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इस ऐप को आप dev.classplusapp.com से भी चला सकते हैं। जी हाँ, dev.classplusapp.com से भी चला सकते हैं। इस ऐप में है क्या, इस ऐप के अंदर में मेरे सारे कोर्सेज डिलीवर सीक्वेंस, इसके लिए आपको जाना होगा स्टोर में। स्टोर में मेरे सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी कंप्लीट कोर्स की, जिसकी प्राइस 4000 है, इसमें हम बात करें तो इसकी जो वीडियोज है, और वीडियोज है 299 वीडियोज है, 10 साल की वैलिडिटी है, और ड्यूरेशन की बात करें तकरीबन 165 आवर की ड्यूरेशन है। अगर कंटेंट में देखें, हालांकि कंटेंट पीडीएफ में कोर्स आपको दिया हुआ है, इसके अलावा भी आप जाए तो कुछ यहाँ पे थ्योरी पर काम कर रखा है, यहाँ पे कंप्लीट एमआईएस पे क्लिक करते हैं तो पहला आपका कोर्स आता है एडवांस एक्सेल का। एडवांस एक्सेल में आपको 117 वीडियो, 117 तो 119 वीडियोज है टोटल, जी हाँ 119 वीडियोज है इसके अंदर। अलग अलग जैसे फाइल मेनू बार सिक्वेंसली है, फाइल मेनू बार हो गया, यहाँ पे होम मेनू बार हो गया, यहाँ पे आपके इंसर्ट मेनू बार हो गया, फाइल मेनू बार हो गया। मेनू के हिसाब से फॉर्मूला मेनू बार की बात करें तो आप देखेंगे 40 वीडियो फॉर्मूले के हैं, और कैटेगरी के हिसाब से बता हुआ है, लॉजिकल फॉर्मूले, डेट एंड टाइम फॉर्मूले, लुकअप रेफरेंसेस फॉर्मूले, मैथमेटिकल फॉर्मूले, टेक्स्ट फॉर्मूले, ये सारा फॉर्मूले कैटेगरी के हिसाब से बता हुआ है। एरे फॉर्मूला भी इसके अंदर है, डीवीए फंक्शन भी इसके अंदर में ये बता हुआ है, आप इसका यूज कर सकते हैं। यह वीडियो अपडेट होता है, देखिए दसवा है न्यू अपडेट, जो नए नए अपडेट होते हैं वो अपडेटेड वीडियो भी इसमें अपलोड होते हैं, मतलब कि ये अपडेट होते रहते हैं। मतलब अभी आपने देखा है कि 117 119 वीडियो है, ये आपको अगले आपने पता चलेगा कि 120 वीडियो है। ये सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, इसी तरह से एक्सेल वीडियो मास्टर प्रोग्रामिंग की वीडियोज यहाँ पे दिख जाएगी कंप्लीट, इसके लिए 105 वीडियोज हैं, इसमें 84 वीडियो प्रोग्रामिंग के, 18 रिपोर्ट ऑटोमेशन की, ये भी अपडेट होते रहते। एमएस एक्सेस का है, उसी तरीके से आप एसक्यूएल का है, इसको आप परचेज कर सकते हैं, इसको अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, अपने पीसी पे देख सकते हैं, टैब पे देख सकते हैं, किसी भी मीडियम में इसको आसानी से देखा जा सकता है, बस फटाफट अपलोड कीजिए। इसके साथ चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में आप मुझे डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हमारा एक ग्रुप है एमआईएस, जिसमें हम डेली की जरूरी कल ही देखिए मैंने जॉब डाला है, ये जॉब आया हुआ है, जॉब की वैकेंसी जब इसमें डालते रहते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज के लिंक डालते रहते हैं, इसमें आप इसको भी आप यूज कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, इस तरह की जो मैंने वीडियो बनाया है, इस तरह की वीडियो बनवानी है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, अपना टॉपिक बताएंगे, मैं टाइम लूंगा, ऐसा नहीं बताया और उस पर वीडियो बना दिया, अपना टाइम लूंगा तो आपकी वीडियोज में बना दूंगा। तो बराबर मैं नंबर नोट कर लीजिए और मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू।